हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वह चैप्टर कौन सा? फिफ्थ चैप्टर है और इसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जो केमिस्ट्री है, जो केमिकल्स हैं, जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, उनके बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे केमिकल है, तो हम भी ऐसे हैं कि केमिकलों से घिरे हुए हैं इस टेक्नोलॉजी के जमाने में। तो देखिए, केमिकल यूज इन डेली लाइफ, जो केमिकल यूज होते हैं डेली लाइफ में, वो कौन से हैं? सोप हो गए, डिटर्जेंट हो गए, सोप साबुन होता है हमारा, डिटर्जेंट हो गया, सरफ होता है, और टूथपेस्ट भी है, केमिकल्स है। ठीक है, सब कुछ क्या है? केमिकल्स है। ठीक है, इनके बिना क्या हमारा काम नहीं हो सकता। और देखिए, केमिकल यूज इन व्हीकल्स एग्रीकल्चर, केमिकल कहाँ यूज हो रहे हैं? व्हीकल्स, व्हीकल्स मैंने अपने जो साधन होते हैं, कार, गाड़ी, बस, बाइक है ना, इन सब में क्या यूज हो रहे हैं? केमिकल, कौन सा केमिकल यूज हो रहा है? अब इनमें क्या है, इंजन ऑयल डलता है, पेट्रोल डल रहा है, वो भी केमिकल सब्सटेंस है। और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कौन सा है? जिसमें अपन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी क्या होता है, ये यूज होते हैं, क्योंकि केमिकल जैसे फर्टिलाइजर और मैन्यूर में भी यूज होते हैं ना केमिकल सब्सटेंस। आगे देखिए, मेडिसिंस, मेडिसिंस होती है, अपनी दवाइयां होती है, वो भी किसके बनी होती है? केमिकल्स की बनी होती है, क्योंकि ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसमें? केमिकल्स में। ठीक है, इसके थ्रू ही तो हमको मेडिसिन मिलती है। आगे देखिए, केमिकल यूज इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल्स की यूज करके क्या बना जाता है? पेपर, जो हम कागज पढ़ते हैं, कागज होता है ना, बुक्स के कागज होते हैं, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें भी किसका यूज होता है? केमिकल का यूज होता है। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन मतलब कि हम जो पैकेट में फूड लेते हैं, तो फूड कब के बनाए हुए होते हैं, लेकिन वो प्रिजर्वेशन इसलिए केमिकल के थ्रू किया जाता है क्योंकि वो खराब नहीं हुए और वह अच्छी तरह उनमें वो फ्रेश रहे, इसलिए फूड प्रिजर्वेशन में भी केमिकल का यूज किया जाता है। इसलिए हमको, इसलिए जो हम खाते हैं, जैसे पैकेट वाले खाते हैं, फूड खाते हैं ना, जो उसमें क्या यूज किया जाता है? केमिकल यूज किया जाता है, जिससे वो सड़ते नहीं है। आर्टिफिशियल टेस्ट इंडस्ट्री केमिकल, जैसे आर्टिफिशियल टेस्ट, कोई भी चीज में आर्टिफिशियल टेस्ट डालना, मतलब कि जैसे खट्टा मीठा डालना, तो किस पर डिपेंड कर रहा है? केमिकल पर डिपेंड कर। ठीक है, ये तो आपका लेसन का इंट्रोडक्शन हो गया। आज भी लेसन चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। तो आगे देखिए, एसिड और बेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एसिड, एसिड कैसा होता है टेस्ट में? सोर टेस्ट। ठीक है, ये सोरा कैसा होता है? खट्टा टेस्ट होता है इसका, सोर टेस्ट होता है। अब ये देखो, हमारे केमिस्ट्री लैब में हम यूज करते हैं इसको कैसे, कि ये केमिकल एसिड है या बेस है, इसको कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए एक मेथड यूज होता है, वो क्या होता है, जिसमें केमिस्ट्री लैब में यूज होता है वो लिटमस पेपर यूज होता है, जिसके थ्रू हम क्या जान लेते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। जैसे कि ये क्या करेगा, एसिड होगा, वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देगा? रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। और जो बेस होगा वो रेड को किसमें चेंज कर देगा? ब्लू में कर देगा, मतलब उल्टा कर देगा। ठीक है, इससे हम जान जाएंगे कि ये बेस है, वो एसिड है। ठीक है, देखिए अब एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे एसिडिक एसिड, विनेगर, विनेगर जिसको हम आम भाषा में सिरका बोलते हैं, हमारे फूड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो ये विनेगर एसिडिक एसिड होता है, ये केमिकल्स का नाम। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड जिसको किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, खट्टी होती है ना इमली, तो उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे खाने में हम इमली की चटनी बनाने में, मतलब बहुत चीज जगह यूज करते हैं उसका। अब एस्कार्बिक एसिड, ये किसमें पाया जाता है? ऑरेंज में। ठीक है, ये और एस्कार्बिक एसिड, अब ये खट्टा होता है तो खट्टी वाली चीज में पाया जाएगा, ऑरेंज होता है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एस्कार्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो भी क्या है, एसिड का एक टाइप है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड किसे प्रेजेंट होता है? स्टिंग ऑफ रेड आंट, मतलब कि जो लाल चींटी होती है ना, जैसे लाल चींटी हमको काटती है तो हमको जलन महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो क्या करती है, हमारे जहाँ काटती है वहां पर क्या करती है, फॉर्मिक एसिड का सीक्रेशन कर देती है, जिससे हमारी स्किन पर जलन महसूस होती है। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो कौन सा होता है? जैसे कि हमारे स्टमक में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको HCl भी बोलते हैं। ये क्या वर्क करता है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। और ये मैंने आपको इम्यूनिटी सिस्टम में बताया था, ये क्या काम और करता है, इम्यूनिटी का भी वर्क करता है, किसमें? स्टमक में। जैसे हम फूड पार्टिकल के थ्रू कोई अंदर एंट्री कर जाए बैक्टीरिया, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे देखिए बेस, अब बेस कैसे होता है? बीटर इन टेस्ट, बीटर होता, कड़वा होता है, किसमें? टेस्ट में। दे टर्न रेड लिटमस को ब्लू लिटमस, ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में पेपर में चेंज कर देते हैं।
एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एग्जाम्पल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये किसके एग्जाम्पल है, बेस के एग्जाम्पल। अब आपको ये पता नहीं होगा लिटमस पर पेपर क्या होता है, इसको ना एक पतला सा पेपर होता है, मतलब नॉर्मली जो पेपर होता है टिश्यू पेपर जैसे दिखेगा नॉर्मल, थोड़ा उसका मोटा होगा, और वो क्या करेगा उसके ऊपर आप बेस डालोगे, सॉरी उसमें एसिड डालोगे तो क्या करेगा वो कलर कैसे चेंज कर देगा, वो ब्लू लिटमस पत्र में डालोगे होगा ना कलर का, ब्लू लिटमस पत्र क्या होगा रेड में चेंज हो जाएगा, अब रेड में डालोगे तो वो बेस होगा तो ब्लू में चेंज हो जाएगा, तो ये नॉर्मल सा पेपर होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखिए आपकी डेफिनेशन, जो डेफिनेशन दी गई थी वो कौन से साइंटिस्ट के थ्रू दी गई थी, तो आर्चिनस थ्योरी, ठीक है, जो आर्चिनस थ्योरी थी वो किसके थ्रू दी गई थी, गिवन बाय आर्चिनस इन 1887। तो किसके किसने दी थी, आर्चिनस ने दी थी और 1887 में इस थ्योरी को दिया था, और बताया था जो एसिड होते हैं वो बेस होते हैं, वो एवरीडे लाइफ में हमारे कैसे काम आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने स्टोरी कैसे दी, वो क्या कहलाती है, देखो दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या देते हैं हाइड्रोजन आयन देते हो, इन देयर इक्वाइज सोल्यूशन, इक्वाइज सोल्यूशन क्या होता है वाटर का, जिसमें प्रेजेंट क्या हो वाटर प्रेजेंट हो वो क्या कहलाता है, इक्वाइज सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है, आर नोन एज एसिड। अच्छा, जिस सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट हो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो ना, तो सब्सटेंस में वो कौन सा किस मीडियम में, एक्वाइज सोल्यूशन में, ठीक है, एक्वाइज सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट हो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा एसिड कहलाएगा, ठीक है। एंड दो सब्सटेंस एज एसिड एंड दो सब्सटेंस विच की हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोक्साइल कौन सा होता है OH, ठीक है OH होता है, इन देयर एक्वाइज सोल्यूशन आर नोन एज बेस। तो एक्वाइज सोल्यूशन में जो OH आयन प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोक्साइल आयन प्रेजेंट है तो वो कौन सा हो जाएगा उसमें बेस कहलाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, आर्चिनस थ्योरी में, थ्योरी कहलाती है ये, आर्चिनस ने दी थी। तो इसमें क्या बताया था, एक्वाइज सोल्यूशन में जैसे कि जिसमें प्रेजेंट हो वाटर प्रेजेंट हो है ना, वो एक्वाइज सोल्यूशन वो कहलाता है, जिसमें वो सोल्यूशन में उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है एसिड कहलाएगा, अगर उसमें हाइड्रोक्साइल आयन प्रेजेंट है OH प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मल सी बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, और तो आपको ये बात ध्यान रखना है इसमें एक्वाइज सोल्यूशन जरूर लिखना है, ये नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन गलत मानी जाएगी क्योंकि इस पे डिपेंडेंट है सारा। सॉरी, अब देखिए आर्चिनस एसिड, जो आर्चिनस एसिड है उसको देखो कौन कौन से होते हैं, HCl जो एसिड होता है ना हाइड्रोक्साइड क्लोराइड एसिड वो, ठीक है, उसमें देखो क्या बना उस केमिकल सब्सटेंस, एच हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एसिड है प्लस क्लोरीन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, एक्वायर सोल्यूशन में 2H हाइड्रोजन के और SO4, ठीक है। आगे देखिए CH3COOH एसिडिक एसिड, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के मोमेंट मिल गए आयन मिल गए और CH3COOH हो गए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी, तो इसको नोट डाउन